हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अडानी इंटरप्राइज शेयर के ऊपर। अडानी इंटरप्राइज शेयर के लिए कौन कौन सा लेवल नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इन डिटेल में यहां पे बात करेंगे। तो चलिए चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे, स्टॉक ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंटम कर चुका है और कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब अगर वीकली बेसिस पे देखेंगे तो इस स्टॉक में जो है क्लियरली एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को वीकली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। क्लियरली अगर देखेंगे तो आपको नेकेड आई से भी विजिबल है जो एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पे जब तक स्टॉक इस लो को ब्रेक करके क्लोज नहीं देता है, यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम नहीं हो सकता है इस स्टॉक में जो है। अब अगर सपोर्ट की हम लोग बात करेंगे तो नीचे की साइड जो आपको सपोर्ट है वो है 3820 के अराउंड, जो है 3820-3830 इस लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि ये लेवल पहले आपको रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, रिट्रेसमेंट आया, वापस से ब्रेकआउट दिया, अभी करंटली इसी लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहा है। जब तक 3820 के लेवल के नीचे क्लोज नहीं देता है, एटलीस्ट एक डेली कैंडल इस लेवल के नीचे अच्छा क्लोज नहीं होता है, इस स्टॉक में एक बड़ा शार्प मोमेंटम नीचे की साइड हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस स्टॉक में 3820 के लेवल के नीचे डेली कैंडल क्लोज हो जाता है तो फिर एक बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड अगर बात करेंगे, ऊपर की साइड जब तक स्टॉक 4100 के लेवल के ऊपर डेली बेसिस पे एक अच्छा क्लोजिंग नहीं देता है, इस स्टॉक में हम लोगों को एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड में देखने को नहीं मिलेगा। अगर इन बिटवीन बात करेंगे तो स्टॉक कंटिन्यूसली जो है आपको एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, जहां की नीचे की साइड जो लोअर चैनल है 3820 का है और ऊपर की साइड जो आपको अपर चैनल है 4100 का है। ऑलमोस्ट 280 पॉइंट के इस रेंज में स्टॉक कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। अब हम लोगों को यहाँ पे वेट करना है, एक बार अगर नीचे की साइड ब्रेकडाउन देता है 3820 के लेवल के नीचे, तभी हम लोगों को नीचे की साइड एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा, ऊपर की साइड 4100 के लेवल के ऊपर एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा। इन बिटवीन में जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा उतना ज़्यादा हम लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उतना ही शार्प मोमेंटम होने वाला है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब।